राजस्थान में पहली बार 48,000 पदों पर होने जा रही रीट मेंस यानी शिक्षक भर्ती परीक्षा आज से शुरू हुई है। 5 दिन चलने वाली एग्जाम से जयपुर के अलावा प्रदेश के 11 जिलों में सेंटर्स बनाए गए हैं। परीक्षा आयोजित कर रहे बोर्ड ने इन जिलों में नेटबंदी की कोशिश की है, लेकिन केवल भरतपुर में इंटरनेट बैन किया गया है। दो पारी में होने वाले एग्जाम में पहली शिफ्ट सुबह 9:30 बजे से 12 बजे तक रखी गई थी, जिसमें 21,000 पदों के लिए लेवल 1 के 2,00,000 से ज्यादा कैंडिडेट्स एग्जाम देने पहुंचे। वहीं आज दूसरी पारी 3:00 बजे से 5:30 बजे में लेवल 2 के सब्जेक्ट साइंस और मैथ के लिए स्टूडेंट्स एग्जाम देंगे। इस एग्जाम में 8,00,000 से ज्यादा अभ्यर्थी बैठेंगे, जिसके लिए प्रदेश के 11 जिलों में 2,940 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। वहीं जोधपुर से खबर आ रही है, जहां रीट की मुख्य परीक्षा के पहले दिन ही जोधपुर में एक गिरोह को दबोचा गया है। ये गिरोह बेनार रोड पर मैरिज गार्डन में पेपर हल कर रहा था। जानकारी के अनुसार 4 से 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है और इनसे प्रश्न पत्रों की जांच की जा रही है। पुलिस ने इन सभी को हिरासत में ले लिया है। परीक्षा के अंदर कोई नकल करने वाले संदिग्ध परीक्षार्थी है, उनकी धरपकड़ की गई। एक मिनट। उस संबंध में करीब 5-7 लोगों को पकड़ा गया। ठीक है, ठीक है। उनमें से कुछ परीक्षार्थी भी थे। अब चूंकि उनका वेरिफिकेशन करने के प्रोसेस में समय लगता है, ठीक है, इसलिए ऊपर से उच्च अधिकारियों द्वारा ये तय किया गया कि इन लोगों को एक बार परीक्षा के लिए अलाउ किया जाए, उसके बाद इनको पुलिस कस्टडी में ही रखकर इनका पूर्ण वेरिफिकेशन किया जाए। इनका क्या नाम है? इन लोगों को जो एंट्री दी जा रही है वो पुलिस विभाग की तरफ से लिखित में अंडरटेकिंग दे के दी जा रही है और इसके लिए वीडियोग्राफी की जा रही है। शिक्षा विभाग ने अगर आपको कोई ऐतराज है सर, एंट्री कितने बजे दे रहे हो आप? के लिए जो कमेटी बनी हुई सर, उसको सर एंट्री आपने कितने बजे दी? एंट्री कितने बजे दी है सर? आपने 10 बजे एंट्री दी है, ये तो बोलिए सर। आपने 10 बजे एंट्री दी है सर? आपने 10 बजे एंट्री दी है सर? सर आपने 10 बजे एंट्री दी है, ये तो कबूल कीजिए। मैं जितने बजे एंट्री दे रहा हूँ उसकी वीडियोग्राफी मैं लिख के दे रहा हूँ। आप 10 बजे दे रहे हो ना? बिल्कुल, जितने बजे दी है एंट्री वो लिख के दिया। हाँ वही।